हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो आप भी अच्छे होंगे और आपके जो भी पेट्स होंगे, बिकॉज ये पेट्स से रिलेटेड भी चैनल है, तो आपके जो भी पेट्स होंगे वो भी अच्छे होंगे। तो आज हम मनाने जा रहे हैं सिवई, जिसको लोग पायसम भी कहते हैं और भी नामों से जानते हैं। तो आज हम सिवई बनाने जा रहे हैं। तो सिवई बनाने के बहुत सारे स्टाइल है, बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सेवई बनाने की। तो चलते हैं सेवई बनाते हैं। सबसे पहले हमें सेवई बनाने के लिए देसी घी की ज़रूरत है। तो ये एक चम्मच देसी घी है, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितना आप बना रहे हो। तो ये देसी घी है। सबसे पहले हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई करेंगे, जो जो लेना है। मैंने लिया है किशमिश, बादाम और काजू। इसको फ्राई करके हमें निकालना है, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी खटखट की, तो वो एक्चुअली काम चल ही रहा है ना इधर का, इसीलिए थोड़ा सा इशू होगा, तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और ये जितना हमें चाहिए था उतना ये हो गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब जो हम सेवई यूज़ कर रहे हैं वो है रोस्टेड, जो आप देख सकते हो कि यहाँ रोस्टेड लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। तो हम इसको रोस्ट नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम इसमें मिल्क डाल देंगे। ठीक है, डायरेक्ट मिल्क डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा जो पीलापन आ रहा है ना, ये घी के कारण आ रहा है, क्योंकि हमने घी में फ्राई किए थे। और ये देसी घी है, तो आप जो पैकेट वाला मिल्क लाते हो उसमें मे भी ऐसा ना हो, बट देसी घी में थोड़ा सा आ जाता है। तो ये मिल्क थोड़ा सा बॉयल होगा और बॉयलिंग के समय ही हम इसमें डाल देंगे शुगर। शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैं 1 टेबल स्पून फुल, थोड़ा बड़ा चम्मच है, तो ये थोड़ा सा भर के डालूँगी मैं। थोड़ा इसमें उबाल आ जाए। तो देखिए दूध में बॉईल आ गया है, और मैं इसमें एक इलायची को तोड़ के, पाउडर भी डाल सकती हूँ बट मैं ऐसे टूटी हुई इलायची डालती हूँ, पाउडर नहीं डालती हूँ मैं। इसको थोड़ा सा चला लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर, दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा मैं लाइटिंग तेज करती हूँ। तो इसमें मैं 5-6 धागे केसर के डाल रही हूँ मैं, जिससे कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है और फ्रेग्रेंस में थोड़ा सा असर पड़ता है। अब हम इसमें सेवई ऐड कर देंगे जितना हमें चाहिए। तो मैं, अब ध्यान रखिए कि सेवई थोड़ी फूलती है, इसलिए थोड़ी कम ही डाली है। और मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे सेवई इतनी पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को पसंद है।
और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं इसको भी डाल देंगे। सेवई को अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाओं के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग पायसम भी कहते हैं, कुछ लोग सेवई भी कहते हैं, कुछ लोग शीर भी कहते हैं। आप बताइएगा कि आप क्या कहते हैं। इसको हम जितना देर पकाएंगे ये थोड़ा सा सूखेगा, दूध कम होगा और सेवई और अच्छी पकती जाएगी। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। सेवई जो भुनी हुई नहीं रहती है तो उसको हम जब ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं ना तो उसके बाद डालना है, और जब डाल देंगे तो उसी के बाद दूध ऐड कर देना है इमिडिएटली। मेरे सेवई जो था मेरे पास वो भुने हुए हैं, रोस्टेड है, मैक्सिमम रोस्टेड ही आते हैं, तो रोस्टेड को भी कुछ लोग भून लेते हैं, बट मैंने नहीं भूना क्योंकि वो ऑलरेडी रोस्टेड थे। इसीलिए एंड वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड फ्रेंड, आप किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, किस रेसिपी से देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वैसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको बस 2 मिनट और पकाना है हमें, ताकि जब हम इसको सर्व करें ना तो ये थोड़ा सा ड्राई हो, इतना ये दूध नहीं हो। कुछ लोग रिफाइंड भी बनाते हैं, ऑब्वियसली सी बात है सबके पास घी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो कुछ लोग रिफाइंड भी ट्राई करते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, बट कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा नहीं, तो आधा चम्मच आप घी ज़रूर डालें। जब सेवई ठंडी होती है ना, इवन हम अगर फ्रिज में रख देते हैं तो वो सेवई थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसका कंसिस्टेंसी, सॉरी स्पेलिंग प्रोनाउंस मेरा ठीक से नहीं हो पा रहा है, बट थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी तो वो अच्छी होती है टेस्ट में। और दूध जो है वो आप फुल क्रीम में दीजिएगा, उससे अच्छी बनेगी। कुछ लोग टोन भी लेते हैं बट टोन में उतना अच्छा नहीं हो पाएगा इसीलिए, या फिर भैंस के दूध में ट्राई कीजिए। अब आपको दिख रहा होगा ये सेवई, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, बहुत ही यम लगेगी आपको खाने में, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी मज़ेदार है। होप सो आपको ये सिंपल सी सेवई हो तो आपको ये पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और बताइएगा कि कैसी बनी है, मतलब मेरी जो मैंने सेवई बनाई कैसी बनी है। आप ऊपर से भी केसर ऐड कर सकते हैं, बट पकाते समय जब हम करेंगे तो कलर देखिएगा, ये थोड़ा सा येलोइश कलर आया, फ्लेवर वो बहुत टेस्टी आता है। बहुत से लोगों के पास केसर नहीं है, नहीं होता है, कोई बात नहीं, बिना केसर की भी ट्राई कर सकते हैं, बट बहुत ही यम लगेगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, और आपने देखी भी होगी तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।